तो बच्चों हमने पहले लेसन, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम एसएसटी लेसन नंबर 1 अराइवल ऑफ अ यूरोपियन कंपनी, उसमें हमने पहले देख लिया था कि सिराज उद्दौला है वो क्या करता है कि बंगाल के जो रेवेन्यू इनकम है रिकरिंग का जो मैटर है उसमें एंटर होता है और साथ में एक नई जंग शुरू हो जाती है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बैटल ऑफ अ प्लासी, ठीक है, क्या होता है बैटल ऑफ अ प्लासी। सिराज उद दौला बिकम अ नवाब ऑफ अ बंगाल इन द ईयर 1756। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ अ सिराज उद दौला बाय द कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ अ बंगाल। देयर वेयर फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अ टैक्स। वेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे टैक्स विच वेर एप्लीकेबल टू बोथ इंडिया एंड फॉरेन मर्चेंट्स द सिचुएशन कम टू बॉइल। ही ऑर्डर्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर द सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सेस इन एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। क्या हुआ कि सिराज उद्दौला है वो 1756 में क्या हुआ कि बंगाल का नवाब बन चुका था, ठीक है। उसके पिता है, कौन थे उसके पिता, तो हमने देखा था अली वर्दी खान उसके पिता है। वो चले जाने के बाद उसका बेटा है सिराज उद्दौला, वो बंगाल का नवाब बन चुका था। और ब्रिटिश लोग है वो उस पर क्या हुआ कि जो सिराज उद्दौला है वो ब्रिटिश लोगों के ऊपर बहुत हावी भी था, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था सिराज उद्दौला। और वो क्या करता था कि जो भी ब्रिटिश लोग है उसके कॉम्पिटिटर थे उसकी हेल्प करता था। मुझे लगता है कि ब्रिटिश ये जो सिराज उद्दौला है वो ब्रिटिश लोगों को बहुत पसंद करता नहीं था, इसीलिए वो ऐसा काम करता था। और उसने क्या किया कि ऐसी जो हेल्प करता था उसकी वजह से कई बार ब्रिटिश लोगों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता था। आगे क्या हुआ था कि सिराज उद्दौला ने एक ऑर्डर पास करवाया। कैसा ऑर्डर कि अगर कंपनी है वो टैक्स पेमेंट नहीं करेंगी, ठीक है, और अपना कामकाज शुरू नहीं करेंगी तो हमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपनी है वो हमारे जो पॉलिटिकल मैटर है उसमें कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। और इसी ऑर्डर की वजह से क्या हुआ कि सिराज उद्दौला है वो बहुत ही शक्तिशाली बन गया, और इवन इतना शक्तिशाली बन गया कि ब्रिटिश लोगों को हटा दिया कि ब्रिटिश लोग है वो बंगाल से वहाँ से निकल के कलकत्ता पहुँच गए थे। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग अब डर चुके थे, और इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि काउंटर अटैक शुरू किया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ब्रीड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद्दौला विद द प्रोमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ अ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस हिम टू जॉइन देयर साइड। विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीट एंड मर्डर सिराज उद्दौला इन द बैटल ऑफ अ प्लासी। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फोर्ट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थस This war is a considered to be turning point in the history of India. अब क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने अपना क्या किया कि काउंटर अटैक शुरू कर दिया, ठीक है। तो काउंटर अटैक का जो लीडरशिप किसने लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले क्या किया कि सिराज उद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। तो मीर जाफर को खरीद लिया और बोला कि एक काम करो, तुम मेरे साइड में रहो, ठीक है, अगर हम ये वॉर जीतते हैं तो मैं तुम्हें बंगाल है उसका किंग बना दूंगा, नवाब बना दूंगा, ठीक है। तो मीर जाफर बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश और जो सिराज उद्दौला है उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई जिसका नाम था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी में क्या हुआ कि सिराज उद्दौला है वो हार गया और रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे सिराज उद्दौला का क्या किया, मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। और ये जो ब्रिटिश कंपनी है उसका पहला ही ये वॉर था कि जो इंडिया में वो फोर्ट करने वाले थे, और फोर्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो विन भी हो गए, ठीक है, जीत भी गए। और ये जो फोर्ट जीत गए, ये जो बैटल है वो जीत गए, वो इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आगे बात करते हैं,
things to know. Do you know how Plassey got its name? The original name is Plassey, the tree of a Plas, Khakra. The flower of a Plas tree are saffron in color and are used in making color for Holi. अब क्या कहते हैं कि क्या आपको बताएं कि इस बैटल का नाम Plassey बैटल ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? Plassey. पलास है, वो एक ट्री का नाम है, ठीक है, जो खाखरा का ट्री आता है ना उसका नाम है. और उसमें जो फ्लावर आते हैं ना वो ऑरेंज टाइप के, लाइट ऑरेंज टाइप के फ्लावर आते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो होली जो हम खेलते हैं ना, धुलेटी होली, उसमें कलर बनाने में काम आता है. चलो डू, आप सोचना है आपको कि अगर सिराजुद्दौला है वो Plassey के बैटल में जीत जाता तो उसका नतीजा क्या आता, ठीक है, वो आप खुद सोच के मुझे बताना. आगे बात है बैटल ऑफ अ बक्सर, ठीक है, बक्सर का बैटल कैसे हुआ. एज अ प्रॉमिस ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज अ नवाब ऑफ अ बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. विद द पैसेज ऑफ अ टाइम मीर जाफर बिकम अ हॉस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिश. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. मीर कासिम वॉज एंड efficient, disciplined and a clever ruler. The problem arose between the Nawab and the company on account of non-payment of a tax, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company but he escaped. He reorganized his army along with the force of a Nawab of Awadh. नवाब ऑफ अवध सुजा उद दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू. ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रिटिश लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया था मीर जाफर को, ठीक है, कि भाई मैं हम तुम्हें क्या करेंगे, किंग बना देंगे, नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब बना दिया. अभी तो ठीक चल रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव वो भी इंग्लैंड चला गया, ठीक है, वो मीर जाफर है वो ब्रिटिश लोगों की सारी बातें मानता था, लेकिन अभी भी ब्रिटिश लोगों को इतना सेटिस्फाइड नहीं था. तो ये मीर जाफर है, उसका जो जमाई है, सन इन लॉ है, ठीक है, क्या नाम है, मीर कासिम, ठीक है, उसको किंग बना दिया, इसको निकाल दिया और इसको किंग बना दिया. तो मीर कासिम में बहुत ही होशियार था, बहुत ही बहादुर था और थोड़ा सा साहसी भी था. तो उसने क्या किया कि पहले तो ब्रिटिश लोगों की बातें मान ली, लेकिन बाद में वो ब्रिटिश लोगों की बात नहीं मान रहा था. तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि वापस इसको निकाल दिया और वापस इसको किंग बनाने की शुरुआत की. लेकिन मीर कासिम ने किया कि ब्रिटिश लोगों का जो विरोध है वो करना स्टार्ट कर दिया था. तो इस तरह से मीर कासिम और ब्रिटिश लोगों के बीच में जंग शुरू होती थी, ठीक है. और क्या हुआ कि दोनों की जो आर्मी से वो सामने सामने आ गई थी, और इस वॉर में क्या हुआ कि मीर कासिम में वो हार गया और वहाँ से भाग गया. फिर मीर कासिम ने क्या किया कि मीर कासिम ने वापस एक आर्मी का गठन किया. उसमें जो अवध का नवाब है, ठीक है, अवध का नवाब सुजा उद्दौला और मुग़ल एम्पायर था उस टाइम का शाह आलम टू, ठीक है, इन तीनों की जो आर्मी थी वो कलेक्ट की. किसके सामने कलेक्ट की? तो ब्रिटिश एम्पायर के सामने कलेक्ट की. और 1964 में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ. आगे देयर कॉम्बिनेशन फोर्स मीट द कंपनी फोर्स एट अ बक्सर इन 1764. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर इन ऑल ऑफ सडन बंगाल अवध लखनऊ एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल. रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक अ कंट्रोल ऑफ देयर सिचुएशन. दैट्स How the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. अब क्या हुआ कि तीनों की जो संयुक्त आर्मी थी उसके सामने ब्रिटिश लोगों की आर्मी थी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई बक्सर के में, ठीक है, और कंपनी यहाँ पे वापस जीत गई. लेकिन इस बार कंपनी के हाथ में बहुत कुछ आया, जैसे कि बंगाल, अवध और जो मुग़ल एम्पायर का जितना भी एरिया था, ये तीनों का एरिया है वो अब ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ चुका था. इस तरह से ब्रिटिश की जो कंपनी है उसने अपना जो एरिया है, बिजनेस का एरिया और पॉलिटिकल एरिया, मतलब कि राज करने का एरिया भी बढ़ा दिया था.
और ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया में भेजा, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वापस रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। थिंग्स ड्राफ्ट हेडलाइन फॉर द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन एंड अ पटना विथ अ रेफरेंस टू द रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन द बैटल ऑफ अ प्लासी एंड द डेथ ऑफ अ सिराज उद्दौला। अब क्या हुआ कि जो बैटल ऑफ प्लासी था और बैटल ऑफ बक्सर था, ठीक है, उन सब के बारे में ब्रिटेन और पटना है उसमें ये न्यूज़ है, वो रेफरेंस हुआ था, प्रिंटेड हुआ था। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द यूरोपियन फील्स द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया? ब्रिटिश लोगों को, यूरोपियन लोगों को क्यों ये लगता था कि क्यों ये नीड थी कि वो इंडिया का सी रूट है ढूंढे? दो रीजन थे, हमने पहले पेज में ही देखे थे। दो रीजन कौन से थे? एक तो तुर्की मुस्लिम लोगों ने क्या किया था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो जीत लिया था, ठीक है, और दूसरा क्या था कि इंडिया की जो चीज़ें हैं जैसे कि इंडियन कॉमोडिटीज लाइक अ सिल्क, कॉटन क्लॉथिस, ठीक है, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, उन सब की ज़रूरत थी, इसीलिए नया सी रूट ढूंढने की ज़रूरत हुई। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हु वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? फर्स्ट और लास्ट कौन थे? तो ये तो हमें बताया कि फर्स्ट है वो कौन थे, पोर्टुगीज लोग थे, ठीक है, कौन थे वो लोग, याद आ गया, ठीक है, कौन था? वास्को डी गामा है, वो हमारे इंडिया में आया हुआ था कालीकट बंदर में, तो कौन है? पोर्टुगीज। ये तो फर्स्ट की बात हुई, लास्ट में कौन आए हुए थे? तो लास्ट में हमने जैसे कि देखा कि लास्ट में फ्रेंच लोग आए हुए थे, ठीक है, उसने भी अपना एक सेनापति चीफ गार्ड रखा था जिसका नाम था डुप्लेक्स, मैंने बताया था जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स। उसके बाद बिटवीन अ वूम वॉज द बैटल ऑफ अ प्लासी फोर्ट, वॉट वेयर इट्स रिजल्ट? प्लासी का बैटल है वो किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की आर्मी और उसका जो लीडरशिप करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, और उसके सामने कौन था? सिराज उद्दौला और उसकी आर्मी थी, और इस बैटल में किसकी जीत हुई? तो इस बैटल में सिराज उद्दौला है उसकी हार हुई और ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। उसके बाद व्हाई डिड द बैटल ऑफ बक्सर अकर, व्हाट वाज इट्स रीजन? बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि मीर जाफर है उसको वापस गादी पे बिठाने वाले थे ये लोग, इसीलिए बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ। और तीनों की जो संयुक्त आर्मी है यानी कि अवध का जो नवाब है, ठीक है, वो और जो मुगल एम्पायर है एम्परर है और हमारा मीर कासिम, ये तीनों के बीच में क्या हुआ कि एक आर्मी का गठन हुआ और बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ। जैसे कि अवध का नवाब है वो क्या है, कौन है? शुजाउद्दौला, ठीक है, मुगल एम्परर है शाह आलम टू है, और मीर कासिम, इन तीनों की आर्मी के सामने ब्रिटिश लोगों की आर्मी थी और वहाँ पे ब्रिटिश लोग जीत गए, और बंगाल उसके साथ साथ अवध और उसके साथ साथ मुगल एम्पायर का जो भी एरिया था वो भी हमें ब्रिटिश लोगों को देना पड़ा। 5th, हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल केम टू एन एंड? पोर्टुगीज लोगों का रूलिंग है वो कैसे एंड हुआ? तो हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक पढ़ा था एंडिंग ऑफ पोर्टुगीज वाला, ठीक है ना, ये पैराग्राफ कैसे हुआ था कि जो बंगाल का जो सूबेदार था उसने शाहजहाँ के पास कंप्लेन कर दी थी कि ये लोग हमसे ठीक से बिहेवियर नहीं करते, तो शाहजहाँ ने एक ऑर्डर पास करवाया, ठीक है, उसकी कोठिया उसके जहाज को भी जला दिया और इस तरह से एंडिंग हुआ। लेकिन कहाँ पे एंडिंग नहीं हुआ था? तो दीव, दमन और गोवा में एंडिंग अभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर है 5 के 5 वो कंप्लीट होते। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है ब्लैंक वॉज द इटालियन हु एक्सेप्टेड चैलेंज टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो इटाली का ऐसा कौन सा इंसान था, ठीक है, फेमस इंसान जिसने इंडिया का सी रूट जो दिखाने का चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया था? तो कौन आएगा? कोलंबस आएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर टू मर्डर। रॉबर्ट क्लाइव ने किसका मर्डर किया था? तो हमने पहले देखा था प्लासी के बैटल में सिराज उद्दौला है उसका मर्डर किया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को यूनिट समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।